गुलेरिया पुलिस ने भाई पर जानलेवा हमला कराने वाली कलयुगी बहन व उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त व अभियुक्ता को ग्राम नाहरपुर तथा तेंदुआ के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सूरज यादव पुत्र पारस यादव निवासी नाहरपुर थाना गुलेरिया गोरखपुर, दूसरी आफरीन पुत्री मोहम्मद हकीम निवासी सराय गुलेरिया थाना जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त एक हैमर बरामद हुआ है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 18 फरवरी को वादिनी मुकदमा रुखसाना पत्नी मोहम्मद हकीम निवासी सराय गुलेरिया थाना ने अपने पुत्र इरशाद पर जानलेवा हमला होने के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय थाना में मुकदमा अपने पट्टीदार इस्लाम उर्फ इद्दू सहित 4 अभियुक्त पर पंजीकृत कराई थी, जिसके संबंध में विवेचना कार्यवाही से यह प्रकाश में आया कि मृतक इरशाद पर हुई जानलेवा हमला उसकी बहन आफरीन व उसके प्रेमी सूरज यादव के प्रेम प्रसंग में इरशाद के बाधक होने के कारण बहन आफरीन ने साजिश के तहत अपने प्रेमी सूरज यादव से भाई इरशाद पर जानलेवा हमला कराई थी, जिसको देखते हुए दोनों अभियुक्त व अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलेरिया थाना प्रभारी अमित कुमार दुबे, वरिष्ठ उप निरीक्षक शंभुनाथ सिंह, उप निरीक्षक विजय शंकर यादव, अमित राय, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, अमित कुमार, महिला कांस्टेबल जागृति सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, ये दिनांक 18 फरवरी को एक इरशाद नामक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके संबंध में उसकी माता रुखसाना ने एफआईआर दर्ज कराया था अपने पट्टीदारों के खिलाफ। उस संबंध में जांच पड़ताल की गई और उसका खुलासा किया गया है, तो उसमें ये पाया गया कि जो मजरूब है उसकी बहन गुड़िया ने अपने प्रेमी के सहयोग से उस व्यक्ति पर हमला कराया, जिससे कि वो लगभग मरणासन्न स्थिति में एक माह से अस्पताल में पड़ा हुआ है, कोमा की स्थिति में। कारण ये था कि उसकी बहन को ये लगता था कि ये इससे सूरज से उसका संबंध नहीं होने देगा और हर प्रकार की वो उसके ऊपर बंदिश लगाता था, घर के अंदर बंद रखता था, जबकि वो चाहती थी कि उससे सूरज का विवाह हो जाए।